यहाँ इधर ही खड़ा जाओ, इधर खड़ा जाओ। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई भाई। ये आ चुकी है ग्रीन लाइन, ये आखिरी ट्रेन है कराची जाने के लिए। यार देखो कितनी भारी ट्रेन है, इधर ही खड़े हो जाओ, हाथ नहीं छोड़ना। लग रही नहीं ये ट्रेन है, देखें अंदर सिस्टम म्यूजिक वगैरह। आप इधर कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, देखें यूं करके ये व्यू आएगा आपको बैठ के। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फातखान, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट फातखान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं लाहौर के लिए निकल रहा हूँ, शाम होने वाली है, 5 बजने वाले हैं। अम्मी पापा जा रहे हैं आज हैदराबाद, उनको स्टेशन पे छोड़ना है, उनकी ट्रेन है 8:30 बजे की, तो उससे पहले हमने वहाँ पे पहुँचना है। बस मैं अब निकल रहा था, मैंने कहा चलो पहले व्लॉग स्टार्ट कर लें। अम्मी पापा वाले रेडी हैं, सब रेडी हो चुके हैं, सामान वगैरह अब गाड़ी में रखते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं लाहौर के लिए। और यहाँ भी मेरे साथ जा रहा है, मेरी पूरी फैमिली जा रही है। जी मम्मा तैयार हैं, आप भी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया, दादा दादी भी तैयार हो गए। अब बस चलते हैं लाहौर, आपको ट्रेन दिखाऊंगा, इतना मजा आएगा। कितनी बड़ी होती है? वो लंबी होती है। आप गए तो थे एक दो दफा, आप जब छोटे थे आपको याद नहीं है? हाँ, जब मैं लालू के साथ जा रहा जी था, जी इतनी लंबी थी, मैं बोलूं कब खत्म होगी। हाँ, वही वाली वही वाली। आज आपको लाहौर स्टेशन भी दिखाएंगे और ट्रेन भी दिखाएंगे अंदर से भी कि कैसी होती है, क्योंकि कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने आज तक ट्रेन का सफर ही नहीं किया। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दफ़ा ट्रेन में सफ़र कर चुके हैं हैदराबाद कराची के लिए, क्योंकि रिश्तेदारी सब कराची हैदराबाद में, तो बड़ा मज़ा आता है, जहाज से ज़्यादा मज़ा ट्रेन में आता है। तो आपको भी ज़रा दिखाते हैं ट्रेन चल के। अभी तो पहले फ़िलहाल बैग वगैरह रखते हैं, सामान रेडी करते हैं, फिर निकलते हैं। फाइनली भाई हमने सामान वगैरह रख दिया है, अम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, फिर इंशाल्लाह ताला अपने सफ़र की तरफ निकलते हैं, मज़ा आएगा। आज तो रब्बू भी बड़ा खुश है, हैं रेहाबू बड़े खुश हो, मेरे साथ सारा सामान रखवाया, इसने सारा काम ये मेरे साथ करवाता है रब्बू मेरा। चलो भाई चलते हैं, अब टाइम काफ़ी हो गया है। ये पहुंच गए हम लाहौर स्टेशन, देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, पूरा मुंबई का स्टेशन लग रहा है ये, जैसे इंडिया में होते हैं ना। ये खड़ी हमारी गाड़ी, ये सारी पार्किंग है। फाइनली हम लाहौर स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, मम्मी पापा को मैंने वेटिंग रूम में बिठा दिया, अभी थोड़ी देर तक ट्रेन आ जाएगी। ये नंबर 2 पे खड़ा हूँ मैं,
ट्रेन भी नजर आ रही है कि नहीं? आ रही है, वो जा रही है ऊपर। ओए हाँ, वो तो ऑरेंज लाइन जा रही है, वो जा रही। वाह रिहाब, आपकी तो बड़ी नज़र काम कर रही है। ये साथ साथ आपको बताता चलूँ, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन। ऐसा स्टेशन पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, बहुत बड़ा स्टेशन है ये। इंडिया के ज़माने का बना हुआ है। मुंबई का स्टेशन देख लो, लाहौर का देख लो, एक जैसा ही है। लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, ये लोकल ये। अब तो जो हैदराबाद कराची के लिए जो सफ़र करते हैं वो बड़े बड़े लोकोमोटिव आए हुए हैं अमेरिकन मॉडल के। ये पुराना है, ये नहीं कि इसके अंदर ताकत नहीं, जाते नहीं, ये भी जाते हैं, लेकिन ये ना पंजाब पंजाब में ही रहते हैं। अगर दूर का सफ़र करना होता है तो बड़ा इंजन लगाते हैं, ये बड़ा लोकोमोटिव लगाते हैं। वो देखो वो प्लेटफार्म से एमन है, वो ट्रेन खड़ी हुई सामने, अब एक वो ट्रेन जा रही, वो देखो ये ऑरेंज लाइन जा रही है ऊपर से। ये देखें क्या खूबसूरत मंजर है। असल में ये जो अम्मी पापा जो जा रहे हैं जिस ट्रेन से, ये लास्ट ट्रेन जाती है इस टाइम, 8:30 बजे का इसका टाइम है जाने का कराची। तो जो दिन में निकल गई वो सब ट्रेन करा करम, नाइट कोच, ग्रीन लाइन वगैरह सब निकल गई है। ये लास्ट ट्रेन है, ये मेरे ख्याल से ये ग्रीन लाइन जाएगी, बाकी तो सब ट्रेनें जा चुकी हैं। वो 3:30 बजे निकलना शुरू होती हैं, फिर शाम 7:30-8 बजे तक चलती रहती हैं। ये सब मुसाफिर बैठे हुए जाने के लिए। अब ये देखो ये आ रहा है लोकोमोटिव, इसकी बहुत तेज लाइट होती है। प्यारा लग रहा है रिहाब, बैठ रहे आपने भाई, रिहाब को भी ले जाओ। आप भी चले जाओ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। बैठ जाना सामने ड्राइवर के साथ, उधर ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। देखें प्लेटफॉर्म 3, 4, 6 उस तरफ को है, हम 2 नंबर पे खड़े हुए हैं, और सेम ऐसे ही हैं सारे प्लेटफॉर्म। जैसे ये बना हुआ इधर है, फिर साथ, फिर उसके आगे ये वेटिंग रूम बने हुए, ये जेंट्स का, ये लेडीज़ का, इधर अम्मी वाले बैठे हुए। ये देखें स्टेशन पे रश बढ़ता जा रहा है अब, क्योंकि लास्ट ट्रेन है ये ग्रीन लाइन। अभी 8 बजे, 8:40 का टाइम है इसका यहाँ से रवानगी का। जी भाई कहाँ जा रहे हो आप? कराची जा रहे हो? कौन सी जगह से आप? कराची, क्या? अच्छा शेर शाह से, सही। और सुनाए सब ठीक ठाक? घूमने आए हुए थे? हाँ घूमने आए। थैंक यू। यहाँ इधर ही खड़ा जाओ, इधर खड़ा जाओ, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई भाई। ये आ चुकी है ग्रीन लाइन, ये आखिरी ट्रेन है कराची जाने के लिए। यहाँ देखो कितनी पारी ट्रेन है, इधर ही खड़े हो जाओ, हाथ नहीं छोड़ना। आपने जाने भैया, आपने जाने, दादू के साथ चले जाओ, जाओ कराची घूम के आ जाओ। सामान लेके जा रहे हैं अंदर, बोगी देख के अपनी कौन से नंबर की है, मेरे ख्याल से 2 नंबर है भाई। आगे लगी हुई है? नहीं नहीं अभी लगेगी, लगेगी। अम्मी से फरमाइशें करें क्या क्या लेके आऊं। एक ट्रक, तो आप भी चले जाओ ना रिहाब, आप भी भेजो ट्रेन में, मैं ले जाती हूँ ना, हमारे साथ आ जाना। ये देखें भाई, हम अपने सब्सक्राइबरों के ये सीन दिखाते हैं। देखें ये 13 नंबर, यानी कि 13 बोगी इधर है पीछे, और बाकी 12 बोगी और लेके आ रहे हैं इंजन लोकोमोटिव। ये इधर आके लगेगा, ये भाई खड़े हुए जोड़ने के लिए।
मतलब बहुत लंबी ट्रेन हो जाएगी ये। यहाँ देखना किसे अभी लगेगा। ये किसे लग रही है? जबरदस्त। अब ये भी ट्रेन देखे साथ जुड़ गई, देखें अब कितनी बड़ी हो गई ट्रेन। यार समझ आ गई ना आपको भी? ये देखें वो सामने इंजन उस तरफ को है, वो कितनी लंबी ट्रेन है। ये देखो है ना कमाल। फिर ये देखें साथ इस तरह ये अंदर रूम बने हुए होते हैं, अपने अपने रूम में बैठ जाओ जाके, वो देखें सामने। ये चलने फिरने के लिए गली छोटी हुई है इन्होंने। ये पता नहीं बाहर देखें दिखाई नहीं। ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है, जहाज वाली सीटें। ये स्क्रीन लगी हुई है, ये मूव भी कर जाती हैं सीट्स। जैसे आप इधर बैठे हैं उधर से प्रेस करेंगे यूं करके मूव हो जाएंगी, आप इधर को मूव करके बैठ सकते हैं। एसी तो बहुत टनाटन चल रहा है, लग रही नहीं ये ट्रेन है। देखें अंदर सिस्टम, म्यूज़िक वगैरह, आप इधर कंफर्टेबल से बैठ सकते हैं। देखें मूव करके ये व्यू आएगा आपको बैठ के, फुल मज़े जाना। मम्मी पापा ने मज़े में ले रहा हूँ। नहीं भाई थैंक यू, ओके जा रहे मम्मी पापा मज़े में ले रहा हूँ, है ना फिर कमाल की बात। सूरत वगैरह चल रही है इधर कार्टून, फैन भी लगे हुए, एसी भी चल रहा है। ये देखें जो वॉशरूम में जो होगा ना, ये 16 नंबर बोगी है, वॉशरूम में जो होगा वो रेड लाइट जल जाएगी, अगर जब कोई भी नहीं होगा फिर ग्रीन जलेगी। अभी ये न्यूट्रल हुआ हुआ इस टाइम, अभी कोई ना अंदर ना बाहर। अभी नहीं उतरना। ये देखें ट्रेन चलने लग गई। यार रे पीछे 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 छोड़ना नहीं। मैं चलती ट्रेन से उतरा, देखो गाड़ी चल रही है। ट्रेन हमें भी ले जा रही है। मैं तो हार नहीं मोड़ जाना है। मेरी अम्मी ने खाना पका रखा है। बहुत मुश्किल से उतरे हम तो। है ना जहाज से भी ज्यादा मजे की। प्लेन में तो जरा भी मजा नहीं आता, मजाक नहीं करना, जो ट्रेन का मजा है वो ट्रेन का ही है। खाना खाते हुए जाओ, एंजॉय करते हुए जाओ। ड्रॉप कर दिया, ट्रेन जा रही है, अब हम जा रहे हैं अपने ससुराल, जाके इंशाल्लाह फिर आपसे उधर मुलाकात करेंगे। रेहाब की नानी के घर के लिए जा रहे हैं। रेहाब बहुत खुश है, ये बार बार कह रहा था स्टेशन पे जल्दी चलो, नानी ने मेरे खाना बना रखा है बोटी मेरे लिए। मुझे बहुत भूख लगी है। बोटियां खाएगा? हाँ। भूख तो मुझे भी बड़ी लग रही है। हाँ, तो फिर बस अब जा रहे हैं, उसके बाद खाना खाएंगे, खाने में मिलेंगे इंशाल्लाह। रेहाबू भूख लग रही है और नींद भी आ रही है आपको? मेरा मुन्ना भी सुबह का उठा हुआ है, स्कूल भी गया है, इतना काम करता है ये। अभी अपनी नानी के घर जा रहे हैं, कह रहे बोटियां खानी है। फाइनली हम ठोकर न्याज बेग पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब KFC।
यहाँ से हम चढ़ेंगे मुल्तान रोड के ऊपर, ये सीधा मुल्तान रोड है, यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पे हमारा ससुराल है। बेगम को बड़ी खुशी हो रही है, फिर आपके पिंड जा रही। कहाँ जा रही हो? आपके पिंड जा रही हो? जाहिर है अपने घर जाने की सबको खुशी होती है। तुम्हें रखे ना इतने दिन, तुम्हें तुम्हारे घर से दूर, फिर तुम्हें पता चले लड़कों को तो यही होता है ना, अपने घर जा रही है बड़ी। अच्छा जी, तो और क्या, तो सही है, ये लड़कियों की हिम्मत है भाई। हम तो नहीं रहा जाते इतने दिन कहीं दूर, बस फिर और दो ना ये भाई। तभी तो कहता हूँ, मैंने पिछले व्लॉग में बोला भाई, जो बीवियाँ होती है तोहफा होती है तोहफा। क्या ये गाड़ियों ने रश लगा रखा है, इन्हें पता नहीं मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या करी, मम्मा का बस नहीं चला, मम्मा करी इसको पर लगाओ, उड़ के जाऊं। पर भी तो निकलते ना, निकालो उड़ाओ गाड़ी। या मम्मा तो मुझे याद आ गया, तुम दोनों कह रहे थे ना तुम बड़े बदमाश हो, तुम मुझे मारोगे। अब देखना मैं बदमाशों के गांव जा रही हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ मैं। ये अपने गांव लेके जा रही हूँ, हमें धमकियां लगा रही है कि चलो मेरे घर घर, तुम्हें तो मैं सेट करती हूँ। दोनों बाप बेटे बदमाश बनते हो तो। हम भी बड़े बदमाश हैं यार, अपन छोड़ेंगे थोड़े, क्यों भाई आप तो डरा पड़ा। यार तो पहले के अगर मेरी मम्मा ने मुझे मारा, मैं तो नानी को शिकायत कर दूंगा। आप कहाँ लेके जा रही है मम्मा इतने जंगल बेबान में, जो घर ही नहीं आने को चुका है। तो यहाँ तो बदमाश रहते हैं, बड़े बड़े बदमाश, नाम नहीं सुना तुमने? लगता है यही रहा, इधर बदमाशों का एरिया ही। आप और घर जाके ना इंग्लिश बोलना, नानी के घर जाके। वो जो टीचर ने सिखाई थी, प्लीज टीचर हेल्प मी, वो वाली बोलना, प्लीज हेल्प मी बोलना, ज्यादा ज्यादा इंग्लिश में बातें करना। टीचर प्लीज हेल्प मी, पता चले लड़का है ना बहुत बड़े शहर से आया हुआ। अच्छा, हाँ उधर पेंट वाली हरकतें नहीं करनी, ऐसे नहीं कहना, अब मारो हटी ले, ऐसे नहीं कहना। यहाँ और इंग्लिश में खाना मांगना, प्लीज गिव मी मम्मा फूड, ओके प्लीज गिव मी मम्मा वाटर, ऐसे से बातें करना अच्छी अच्छी। इंग्लिश के सिवा तो बात ही नहीं ना आपने करनी, बस जो भी बात हो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ABCDEFG, कभी अली भी सुनाना। ये देखो जब तो धुंध हो रही है मेरे ससुराल में, तो फाइनली हम अपने ससुराल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कोई रहा ही नहीं है, इतनी खामोशी और जंगल बेअबान में। यहाँ की लाइट गई पड़ी है, दुनिया सोई पड़ी है, दुनिया मुझे लग रहा है सोई पड़ी है। अभी 10 बज रहे हैं, देखें ये टाइम अभी 10 बजे का हो रहा है और यहाँ पे कोई है ही नहीं। ये दो बंदे बैठे, दो बंदे बैठे हुए कौन है ये? कितना डरावना मंजर लग रहा है ये, तुम्हें पता है ये इंडिया पाकिस्तान के वक्त का गांव है, ये 100 साल पाकिस्तान से पीछे गांव है। इसका नजारा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में सुबह दिखाऊंगा, जो मेरा अगला व्लॉग आएगा ना आपने वो मिस नहीं करना इंशाल्लाह, आपको ये पूरे गांव की सैर करवाई जाएगी और यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस है कुछ, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। भाई हम फाइनली अपने घर पहुँच चुके हैं, मेरा ये ससुराल है। अब मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, अंदर चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, बहुत टाइम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुँच चुके हैं, खाना वगैरह खा लिया है और आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और जो मेरे आने वाले व्लॉग है उसको मिस ना करना, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। कल आपको ये गाँव की सैर करवाई जाएगी, बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें दिखाऊँगा आपको इंशाल्लाह ताला। सही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।